वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल BWC डिटेलिंग में। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी प्रेशर वॉशिंग रिपेयरिंग के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर वॉशर है, और मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ वीडियोस में इसमें जिक्र किया था कि ये ऑटो कट ऑफ में का प्रॉब्लम आता है इसमें। तो आज उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ये होता कैसा है या तो फिर प्रॉब्लम कैसी आती है, तो मैं इसे मैं चालू करके पहले बताता हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए ये गन बंद है फिर भी मोटर चल रही है, ये चलते चलते तो रहेगी। ये बंद करने के बाद भी मोटर चालू रहती है इसमें, तो हर बार ये प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी मोटर ही चालू नहीं होती है, या तो कभी कभी मोटर चालू ही रह जाती है। तो हमें करना क्या होगा, तो देखिए मैंने ये इसका ये स्विच है, ये इसके अंदर आता है यहाँ पे ये साइड में। मैं इसको खोल के चेंज करके बताऊंगा कि कैसा है। तो देखिए ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे क्या कहते हैं, इसे लिमिट स्विच कहते हैं। तो इसे कहाँ आता है, हर मोटर में अलग अलग जगह आता है, तो खोल के आप देख लेना अपने पोर्टेबल प्रेशर वॉशर को। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले इसे खोलते हैं फिर इसको चेंज करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसा कैसा रहेगा। चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। खोलना कैसा है इसे, पहले हम पीछे का कैप खोल लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे कट ऑफ का इसका ये बैठेगा, ये लिमिट स्विच है, ये यहाँ बैठेगा इस तरह से। तो ये भी खोल लेंगे ऐसे। तो अब मेन एक चीज एक देखना है ये कि देखिए ये इसमें ये एक्स्ट्रा है, तो ये हम निकाल लेंगे। और मैं हमेशा ये देखिए ये कॉमन होता है, और ये कोई इसको पुश पे ऑन रहता है, कोई इस पे जो है तो छोड़ने पे ऑफ रहता है। देखिए कुछ ऐसा, कोई मतलब ये नीचे ही रहेगा तो किसी का इस पे ऑन रहेगा और किसी का पुश पे ऑन रहेगा। तो हम ये इसे कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। तो हमारा पुश पे ऑन है, तो ये आप देख सकते हैं ये पुश पे ऑन है, और ये जो बिना पुश पे ये ऑफ रहेगा। तो हम इसी तरह से इसका एडजस्ट करेंगे। तो किसी का नीचे पे ऑन रहता है और हमारा ऊपर पुश पे ऑन है। तो ये हम जो है ये देखिए ऊपर का कॉमन ही रहता है, तो ये हम जो है इस पे लगा देंगे इसका कनेक्शन। पहले हम ये इसमें एक्स्ट्रा है तो ये इसे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ब्लेड के जरिए। तो मैं ये ब्लेड से इसे खोल लूंगा। तो देखिए ये अंदर से निकल चुका है, इसका कुछ काम नहीं है। अब ये जो है ये इस पे लगा लेंगे। तो कनेक्शन आप पहले जो भी आपके पास है आप कनेक्शन देख लेना पहले, उस हिसाब से ये लगाना। तो ये हमारा
उस पर ऑन था तो उस हिसाब से हम ये लगा लिया यहाँ से। तो ये हमारा बैठ चुका है, इसके बाद ये भी लगा लेंगे। अब हमने जैसा इसे खोला था उसे वैसे ही फिट कर लेंगे। तो हमने प्रॉपरली पूरा फिट कर चुके हैं इसे, अब चालू करके देखते हैं। मशीन की हमारी चालू हो चुकी है। तो देखिए अब ये गन बंद है तो मशीन भी बंद है। अब ये गन जब तक बंद रहेगी मशीन भी बंद रहेगी, मतलब ऑटो कट ऑफ का सिस्टम एकदम बढ़िया सा चलेगा इसमें। मैं ऐसे ही डिटेलिंग कोटिंग और ये मशीनरी से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, कोई भी मशीन हो उसमें ये सिस्टम आता है, और जैसे जैसे मैंने बोला है तो आप वैसे करके ये इसे चेंज करके रिपेयर कर सकते हैं आप खुद, अगर आपके पास कोई भी पोर्टेबल प्रेशर वॉशर हो तो। देखिए उसमें ये एक ही सिस्टम आता है बस, ये ऑटो कट ऑफ के लिए काम आता है। ये खराब हो जाता है उसकी वजह से, ये आपकी जो है तो मशीन या तो बंदिच हो जाती है, या तो फिर ऐसा भी होता है कि चालू ही रह जाती है, आप बंद चालू भी करेंगे तो चालू ही रहती है। तो आप बस ये चेंज कर देना। अगर ये आपको चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो ये आप कोई भी अपने टीवी का जहाँ सामान मिलता है टीवी टेप का, तो वहां पर आपको बस बोलना होगा कि ये लिमिट स्विच बोलते हैं, बस एक लिमिट स्विच दे दो और इसको जो है तीनों पॉइंट रहना चाहिए। तो ये ऊपर का कॉमन है और ये मेन है ये। तो आपकी मोटर का जहाँ पे ऊपर लगा है तो ऊपर लगाना, नीचे लगा है तो नीचे लगाना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना।